हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हेयर फॉल रेमेडी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बाल खूबसूरत दिखे इसलिए शैम्पू, कंडीशनर, हेयर डाई, हेयर स्प्रे, न जाने कितने प्रोडक्ट्स हम अपने बालों में लगाते हैं। क्या इन प्रोडक्ट से वाकई फ़ायदा होता है? ये तो आप भी जानते हैं कि नुकसान ही होगा। कुछ लोग अपने बालों में अधिक कलर, डाई और ब्लीचिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। आजकल तो कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं, या बच्चों को सफ़ेद बाल होने की समस्या होती है। इरेगुलर लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के कारण बालों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। सफ़ेद बालों में कई लोग हेयर कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स बालों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल की कई वजह हो सकती है, जैसे कि उम्र का बढ़ना, बीमारी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण। अगर आप कोई दवाई ले रहे हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी बाल गिर सकते हैं। वैसे दिन भर में 50 से 100 बालों का गिरना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो आप अपने बालों की केयर ज़रूर करें। अगर घने, मुलायम, काले बाल चाहिए तो आप अपने खाने पर ज़रूर ध्यान दें। हम कितना भी संतुलित आहार क्यों न लें, हर रोज़ थोड़े बहुत बालों का गिरना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल है तो आज मैं आपको आयुर्वेदिक होम रेमेडी बताऊंगी जो आपके हेयर फॉल में बहुत ही फ़ायदा करेगी, साथ साथ आपके बालों को हेल्दी और मुलायम बनाएगी। तो चलिए जानते हैं हेयर फॉल की होम रेमेडी। दोस्तों, जटामासी झड़ते बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये सफ़ेद बालों को काला करने में भी बहुत ही उपयोगी है। जटामासी में ऐसे कंपाउंड्स है जो बालों को काला घना करने के साथ साथ बालों को बढ़ाने में मदद करता है। आप जटामासी पाउडर 2 से 3 चम्मच लें, उसमें 3 से 4 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से खट्टा दही डालकर पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बालों में लगा के हल्के हाथों से मालिश करें, और 1 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लें। बाल सूखने के बाद आप जटामासी का तेल बालों में लगा के मालिश करें। तेल बनाने के लिए आप 1 कप नारियल तेल में 1 चम्मच जटामासी पाउडर डाल के लोखंड की कढ़ाई में धीमी आंच पे 10-15 मिनट उबालें। बाद में तेल ठंडा होने के बाद कांच की बोतल में छान लें और इस तेल से अपने बालों में मालिश करें। ये रेमेडी आप लगातार 1 से 2 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपके बाल तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और काले होने लगेंगे। हफ्ते में 2 बार आप इसे ज़रूर करें। 1 चम्मच जटामासी पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर, ये तीनों पाउडर मिक्स करके इसमें कैस्टर ऑयल या नारियल तेल मिक्स करके पेस्ट बना लें और अपने बालों में 1 घंटा लगा कर रखें। बाद में नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, साथ में स्कैल्प में इन्फेक्शन की समस्या दूर करके हमारे रूखे बालों को मुलायम बनाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो 1 चम्मच जटामासी पाउडर और 1 चम्मच नीम पाउडर में नारियल तेल मिक्स करके पेस्ट अपने बालों में लगा लें। 1 घंटा रख के हेयर वॉश कर लें। इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या तो दूर होगी, साथ में बाल झड़ से काले होने लगेंगे। दोस्तों, झड़ते बालों के लिए और हमारे बाल काले और हेल्दी बनाने के लिए ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर ट्राई करें। और बालों को धोने के लिए हमेशा नॉर्मल पानी का यूज़ करें। तो दोस्तों, स्किन और बालों के लिए तो मेरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ की जानकारी दी है,
तो जुड़े रहिए मेरी चैनल भामिनी व्लॉग्स के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।